नमस्कार दोस्तों, आज हम अपस्टॉक एप्लीकेशन के सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स को एग्जाम्पल सहित इजी तरीके से डिटेल में समझेंगे। जैसे अपस्टॉक एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे बाय और सेल के ट्रेड लेते हैं, हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इन सारे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में इस एक ही वीडियो में एंड तक मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू फोकस करके जरूर देखना, इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपस्टॉक एप्लीकेशन में पासवर्ड डालकर ओपन कर लेंगे। फिर नीचे आपको मेनली पांच कैटेगरी नजर आएगी। चलो इन पांचों कैटेगरी को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट कैटेगरी को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका नाम और कोड नजर आएंगे। यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन के मैसेज इजीली देख सकते हैं। यहाँ से आप UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू फंड को ऐड कर सकते हैं और इसी फाइल के अंदर आपको फंड विड्रॉल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिर माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की कम्प्लीट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने सभी प्रकार के रिपोर्ट्स का डेटा इजीली देख सकते हैं, जैसे अलग अलग पीरियड के लेजर, P&L अकाउंट, होल्डिंग स्टेटमेंट और ITR रिलेटिव सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहीं से इजीली मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने सभी प्रकार के एक्शन का डेटा देख सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन, मार्जिन प्लेज, MTF ऑथराइजेशन, इस प्रकार के सारे डेटा यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपलिंक एप्लीकेशन को क्रिएट भी कर सकते हैं और यहीं से API डॉक्यूमेंटेशन का डेटा भी मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने सारे अलर्ट मैनेज कर सकते हैं, जैसे P&L अलर्ट, प्राइस अलर्ट। दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपना स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग प्लान फाइल के अंदर आपको लगने वाले सभी प्रकार के चार्जेस की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जैसे इंट्राडे चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। फिर ट्रेडिंग सेगमेंट में आपको सभी प्रकार के सेगमेंट की डिटेल मिल जाएगी, जैसे इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, MCX सेगमेंट। फिर यहाँ से आप अपने रिवार्ड्स को इजीली देख सकते हैं। फिर ऐप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन की सेटिंग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर और अप गाइड को ऑन रखो और थीम को ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर दो। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी। फिर यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन से लॉग आउट यानी कि एग्जिट हो सकते हो। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है दोस्तों, अब थोड़ा फोकस देना। अब स्टॉक एप्लीकेशन मेनली दो पार्ट में यानी कि दो टाइप के मोड में डिवाइड हो रखी है। नंबर वन ट्रेडर टाइप मोड, नंबर सेकेंड इन्वेस्टर टाइप मोड। और सबसे बड़ी बात, दोनों टाइप के मोड में कुछ सेम फीचर्स दिए हुए हैं और कुछ अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। मतलब ट्रेडर टाइप मोड में ट्रेडर के अकॉर्डिंग फीचर्स दिए हुए हैं और इन्वेस्टर टाइप मोड में इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग फीचर्स दिए हुए हैं। यह अकाउंट कैटेगरी वाला पेज दोनों टाइप के मोड में कॉमन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मिनिमम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में चारों तरफ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी अपस्टॉक एप्लीकेशन के सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स को अच्छे से समझ सके। सबसे पहले हम ट्रेडर टाइप मोड के सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स को इजीली समझ लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर टाइप मोड के सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स को समझेंगे। इस बटन पर क्लिक करके हम मोड को चेंज भी कर सकते हैं। यह एरो का निशान ट्रेडर मोड की तरफ होगा तो मतलब ट्रेडर मोड अभी एक्टिवेट है, और इन्वेस्टर मोड की तरफ होगा तो मतलब इन्वेस्टर मोड अभी एक्टिवेट है। जब आप इस बटन पर क्लिक करके इन्वेस्टर मोड से ट्रेडर मोड पर स्विच करेंगे तो यह पेज ओपन होगा और आपको ट्रेडर मोड पर ये सारे फीचर्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ट्रेडर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम ट्रेडर मोड में माई लिस्ट यानी कि वॉच लिस्ट कैटेगरी को इजीली समझ लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टॉक्स को सर्च करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने मेरे अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट के सारे शेयर्स को अल्फाबेटिक या फिर तेजी मंदी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहाँ से इंडेक्स को आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जैसे मैंने निफ्टी 50 और सेंसेक्स को लगा रखा। यहाँ से आपकी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स के रिलेटिव कंप्लीट न्यूज देख सकते हो। फिर इस पर क्लिक करके यह पेज ओपन करेंगे। यहाँ से आप न्यू वॉच लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट को मैनेज भी कर सकते हो, यानी कि एडिट करके वॉच लिस्ट का नाम चेंज कर सकते हो और चाहो तो वॉच लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हो। फिर डिस्कवर लिस्ट पर क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ से आप 31 प्रकार की लिस्ट के अकॉर्डिंग डेटा मतलब स्टॉक्स के नाम देख सकते हो, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में हमारी मेहनत नजर आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन डबल हो जाता है। यदि आपको किसी भी शेयर की कंप्लीट डिटेल निकालनी है
तो फिर आप उस स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने रिलायंस पर क्लिक किया है, यहाँ पर आप रिलायंस का पीरियड के अकॉर्डिंग कंप्लीट चार्ट इजीली देख सकते हैं। फिर इसी पेज पर नीचे आपको रिलायंस कंपनी की कंप्लीट डिटेल इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर इस स्टॉक की एनालिस्ट रेटिंग देख सकते हो। यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का कंप्लीट डेटा अच्छे से समझ सकते हो। फिर नीचे आपको रिलायंस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का कंप्लीट डेटा इजीली मिल जाएगा। यदि आपके पोर्टफोलियो में अभी रिलायंस का शेयर होल्ड रखा हुआ है तो यहीं से आप उस शेयर को सेल भी कर सकते हो। बिना होल्डिंग वाले शेयर्स को आप नहीं बेच सकते हो। और यदि खरीदना चाहते हो तो फिर बाय पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप यदि शेयर्स की डिलीवरी उठाना चाहते हो, यानी कि एक दिन से ज्यादा आप शेयर्स को होल्ड रखना चाहते हो, तो फिर डिलीवरी प्लेटफॉर्म से शेयर को बाय करोगे। और यदि इंट्राडे के लिए, मतलब ओनली एक दिन के लिए शेयर्स को खरीदना चाहते हो, तो फिर इंट्राडे प्लेटफॉर्म पर शेयर्स को बाय करोगे। अब आप कहोगे सर इंट्राडे क्या होता है, कैसे करते हैं वो तो बताओ। तो टेंशन मत लो, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो हमने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। उन सारे वीडियोस की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। प्लीज आप वो सारे वीडियोस देखकर ही ट्रेडिंग स्टार्ट करना, वरना आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप अमाउंट के अकॉर्डिंग और यहाँ से आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शेयर्स को खरीद सकते हैं। मैंने क्वांटिटी और लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मतलब शेयर्स की क्वांटिटी और प्राइस को मैं अपने अकॉर्डिंग फिल करूंगा। जैसे रिलायंस का अभी शेयर 2800 रुपए के आसपास चल रहा है और मैं यह शेयर 2700 रुपए में 10 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, तो अब मैं लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट करके क्वांटिटी और प्राइस को अपने अकॉर्डिंग डालकर बाय का ऑर्डर लगा दूंगा। जब शेयर नीचे गिरकर 2700 रुपए पर आ जाएगा तब मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि मुझे 2700 रुपए में वो शेयर मिल जाएंगे, वरना 3:30 बजे के बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि आप मार्केट प्राइस में शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करके मार्केट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डालकर डायरेक्ट बाय का ऑर्डर लगा देंगे तो तुरंत मार्केट प्राइस में आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर इस ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट और यहाँ पर चार्जेस नजर आएंगे। दोस्तों यदि आप अपना या फिर अपने फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप कुछ ही मिनटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर कैटेगरी में आपके सभी प्रकार के ऑर्डर्स नजर आएंगे, जैसे पेंडिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूट ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर आप यहाँ पर अंदर फाइल में जाकर इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर पोर्टफोलियो में आपके होल्ड किए हुए सारे शेयर्स की फुल डिटेल और आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू भी आपको यहीं पर अंदर जाकर नजर आएगी, जो कि हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फिर डिस्कवर कैटेगरी में होम पेज में आपको म्यूचुअल फंड, आईपीओज, कॉर्पोरेट एक्शन, रिपोर्ट्स, ईटीएफ, अप गाइड, रेफरल, इन सब का डिटेल में डेटा देख सकते हो। फिर इसी कैटेगरी में एक्सप्लोर फाइल में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का कंप्लीट डेटा, अफोर्डेबल ऑप्शन, ऑप्शन ओआई, एफआईज और डीआईज एक्टिविटी और साथ में ग्लोबल मार्केट का कंप्लीट डेटा भी आप इजीली देख सकते हो। फिर यहाँ से आप सारे स्टॉक्स की न्यूज देख सकते हो और लर्न फाइल से आप स्टॉक मार्केट का लर्निंग रिलेटिव डेटा इजीली देख सकते हो। यहाँ से आप कोई भी स्टॉक्स को सर्च करके इजीली देख सकते हो। अब हम इन्वेस्टर टाइप मोड के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझ लेते हैं। इसमें नीचे मेनली 5 कैटेगरी है, चलो एक एक कैटेगरी को डिटेल में समझ लेते हैं। यह इस मोड का होम पेज है और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का पेज इजीली देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके एरो का निशान इन्वेस्टर मोड की तरफ कर देंगे तब यह पेज ओपन हो जाएगा। इन्वेस्टर मोड में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, तब यहाँ पर क्लिक करके आप इन्वेस्टर मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टॉक्स कैटेगरी के एक्सप्लोर में आपको टॉप सर्चेज स्टॉक्स, अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स, टूडेज गेनर्स, टूडेज लूजर्स, ऑल टाइप ETF और गोल्ड बॉन्ड का डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स नजर आएंगे और यहाँ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप स्टॉक मार्केट रिलेटिव सभी प्रकार की न्यूज को देख सकते हैं। फिर मोर कैटेगरी में आपको अंदर जाकर बहुत सारे यूजफुल फीचर्स नजर आएंगे, जैसे FD, गोल्ड, IPOs, पर्सनल लोन और भी बहुत सारा डेटा आप इजीली यहां से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ग्रो एप्लीकेशन के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप इन वीडियोस पर क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।